सो हाय दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी पर। आज मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। सो गाइस, पिछले वीडियो में आप देखें कि रिंग एप्लीकेशन और सेफ मनी जो फ्रॉड एप्लीकेशन, उसके रिगार्डिंग मतलब कि हम बात किए थे इंस्टाग्राम पर। लोग मतलब कि पूछ रहे थे कि हम फंस गए थे तो क्या करें, रिकवरी एंड कब आता है रिंग के रिगार्डेड। तो आज भी मतलब कि हम कॉल लगाने वाले हैं और उनसे मतलब कि जानकारी हम लेने वाले हैं कि आप किस एप्लीकेशन में आप फंस चुके हैं और मतलब कि कैसे उससे बाहर निकलना चाहते हैं, और जो भी जानकारी है, जो भी पूछना चाहते हैं फ्रॉड में, जैसे कैसे होता है गैलरी हैक कर लेता है कि नहीं करता है, कैसे डिलीट करे, क्या करे, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएगा। बस आपको ये करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच करना है। कॉल उठाते हैं यहाँ पर भाई साहब, तो कॉल देखिए यहाँ पर फिर से डिसकनेक्टेड हो गया। यहाँ पर दोबारा हमको यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। तो पिछले में वीडियो में क्या हुआ था कि मतलब कि कॉल मतलब ऑटोमेटिक कट हो गया था, तो यहाँ पर ट्राई करते हैं भाई साहब। इनके पास रिंगिंग तो जा रही है, देख रहे हैं रिंगिंग जा रही है तो उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। कनेक्टिंग केवल लिख रही है भाई साहब यहाँ पर। चलिए यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ट्राई किया जाए। तो आपसे हम यही बोलना चाहते हैं कि यदि आप कॉल करना चाहते हैं तो शाम को कॉल कीजिए। आप यदि मतलब कि दोपहर में या रात में कभी भी आप कॉल कीजिएगा तो उस घड़ी मतलब कि हम अवेलेबल नहीं रहते हैं, ये हम बोलना चाहते हैं। तो रिंगिंग यहाँ पर जा रही है भाई साहब, देखते हैं उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं यहाँ पर। हाँ भाई बोलिए। हाँ 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 अच्छा, तो 18 तारीख को उन्होंने पूरा डाटा दिखाया मेरा, मतलब डाटा वाटा सारा आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी था उनके पास। हाँ हाँ, बोला आप पे कर दो इतने बजे तक, 1-3 बजे तक, नहीं तो आपके पास बोलते हैं क्या क्या वापसी कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने पे कर दिया। उनका उन्होंने अपना वो दिया, मतलब यूपीआई आईडी, तो मैंने उस पे कर दिया। तो उसके बाद मैंने बोला कोई अपडेट ही नहीं है उसमें, तो क्या बोलते हैं, बोले अपडेट हो जाएगा 5 बजे तक, 6 बजे। मैंने 5-6 बजे भी कॉल किया, उसके बाद 6 बजे के बाद तो कॉल पिक ही नहीं कर रहे, है ना। रिपेमेंट कर दिए हैं क्या सेफ मनी का? है? रिपेमेंट आप कर दिए हैं क्या सेफ मनी का? हाँ। यहीं पर आप गलती कर दिए ना, आपको रिपेमेंट नहीं करना चाहिए था। हाँ, बाद में भी आपसे फोन करेगा सब, रिपेमेंट भी कर दिए तब पर भी आप पर फोन ब्लैकमेल करेगा सब। तो मतलब क्या करना नहीं है पे? ना, रिपेमेंट आपको नहीं करना है फ्रॉड एप्लीकेशन का। फ्रॉड आप बताइए, फ्रॉड एप्लीकेशन कभी भी घर पर आएगा आप बताइए, उसके उसके मतलब के पीछे खुद पुलिस पड़ी हुई है। हाँ, तो वो कैसे घर पर आएगा आप बताइए? उसका तो काम है भाई साहब डराना, वो जब तक आपको नहीं डराएगा तो पैसा नहीं दीजिएगा, तो भाई अपना काम करके चला गया है। देखिए, कोई पर्सनल यूपीआई नहीं होता है, समझ गए आप, ये सारा चीज मतलब कि फर्जी होता है। ये सब का यूपीआई भी 10 मिनट तक एक्टिव रहता है, उसके बाद मतलब कि एक्सपायर हो जाता है। तब अच्छा, आपको दलाल बना दिया। अच्छा, वही ना। हाँ। ऐसे ऐसे धमकियों से कोई डरेगा? नहीं, डरेगा तो नहीं, पर देखो फर्स्ट टाइम था मेरे को, थोड़ा पहले
लास्ट टाइम मैंने इसलिए पे कर दिया। अच्छा मेरे को पता चला, मैंने आपकी वीडियो में, मैं उस दिन सोया नहीं था, मेरे को नींद नहीं आ रही कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने आपको आपकी वीडियो देखी, मैंने सोचा चलो भाई को कॉन्टेक्ट कर लेता भाई से, मेरे को नॉलेज होगी तो बताएंगे कैसे क्या सोल्यूशन है। देखो उस दिन हो गया, फिर नेक्स्ट डे फिर आया, फिर मैसेज आया, दो तीन नंबर से मैसेज आया, और फिर आज सुबह से भी कॉल आ रहा है मेरे पास, तीन चार कॉल आ चुके हैं सुबह से, अभी शाम को भी आया 4:30 बजे, मैंने पिक नहीं किया है। अच्छा तो मतलब आपने ये लिया था इससे, या मतलब कैसे आपको नॉलेज है क्या क्या होता है क्या नहीं? कौन फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में? फ्रॉड एप्लीकेशन आज से प्ले स्टोर पर है, बहुत पहले से प्ले स्टोर पर है, हम आज से वीडियो बना रहे हैं। एक तो चैनल था हमारा जो डिलीट हो गया, समझ गए, नहीं तो उस पर काफ़ी फ्रॉड एप्लीकेशन का किस्सा कहानी मौजूद था, अब डिलीट हो गया। इसी वजह से जो लोग व्यूअर होंगे, इसी वजह से जो नए नए लोग फंसे होंगे उनको जानकारी नहीं होगा, पैसा दे दिए होंगे। कौन सा एप्लीकेशन? अच्छा किस्त एप्लीकेशन, NBFC है ये? नहीं किस्त नहीं है, ये किस्त है, ये किस्त फ्रॉड है। हाँ देखिए, सात दिन वाला जितना भी एप्लीकेशन है सब फ्रॉड है। ना 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 देखिए, हम बार बार वीडियो में बोल रहे हैं कि सात दिनों में जितना फ्रॉड एप्लीकेशन, किसी का भी आपको पेमेंट नहीं करना है, पैसा आके आराम से पार्टी कीजिए, समझ गए? हाँ तो कुछ नहीं होगा, होगा क्या? एक महीना तक आप पर कॉल करेगा, उसके बाद कॉल मैसेज करना बंद कर देगा, हो गया क्या? घर नहीं आता है, घर नहीं आता है ना। हाँ कॉन्टेक्ट नंबर उसके पास है, तो इसीलिए हर एक वीडियो में हम बोलते हैं कि आप स्टोरी लगाइए, मेरे फ़ोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया, यदि आप पर कोई गलत मैसेज आता है तो उसका रिस्पॉन्स मैं नहीं हूँ। घर पर भी लोग जो पूछ रहे हैं ना, तो बोल दीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आया, गलती से लिंक पे हम क्लिक कर दिए, और मतलब कि हम देखने लगे और उसके बाद अकाउंट में हमारा पैसा दे दिया बिना मांगा ही, काम खत्म हो गया भाई साहब। और दिक्कत होगा, और आपके घर पर दिक्कत, किसी घर हमारा वीडियो दिखा दीजिए, हम डायरेक्ट हम वीडियो में हम बोलते हैं, समझ के बाद फ्रॉड एप्लीकेशन का कभी भी रिपेमेंट नहीं करना चाहिए, वीडियो दिखा दीजिए। ना ना नहीं, आपको रिपेमेंट नहीं करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम भेज देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, नंबर दे दो। तो चलिए भाई साहब, इनसे बात हो गई, इनको हम बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, अब इन पर कॉल लगाया जाए। यहाँ पर कनेक्टिंग, यहाँ पर लिख रहे हैं, रिंगिंग भी लिख रहे हैं, देख रहे उठा नहीं रहे उठा। तो भाई साहब, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं फ्रॉड एप्लीकेशन की रिगार्डिंग, हम बोलते हैं कि रिपेमेंट आपको नहीं करना है, नहीं करना तो नहीं करना है कहीं भी। हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ बोलिए। सर मैंने लोन लिया था एक ऐप से, अभी 3 दिन हुआ, अभी व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हैं। हाँ अच्छा, एक दो तीन दोस्त। सेफ मनी है क्या? क्या सेफ मनी है? फ्रॉड है ना? कैश प्रीटी है, कैश प्रीटी। अच्छा तो ये भी फ्रॉड है, 7 दिन वाला है, फ्रॉड है, 7 दिन में आपसे डबल मांग रहा होगा। हाँ 7 दिन वाला है। हाँ तो आपको रिपेमेंट नहीं करना है इसका। अच्छा तो बोल दीजिए उससे कि भेज दो भाई, और एक काम कीजिए कि स्टोरी लगा दीजिए आप, मेरे फ़ोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया, दिया पर कोई गलत मैसेज आता है तो उसका रिस्पांस मैं नहीं हूँ, ऐसे स्टोरी लगा दीजिए आप। अच्छा देखिए एक काम कीजिए,
जब कॉल आ रहा है ना तो कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए और खूब गाली दीजिए उसको, समझ गए? ठीक है सर। और रिकॉर्डिंग भेजिए हमारे पास और यूट्यूब पर डालेंगे सर, उसको ऐसे केस उसको ना ना कुछ नहीं होगा, फ्रॉड उसके प्रति खुद खुद पुलिस पड़ी हुई है। अच्छा हाँ कोई रिकॉर्डिंग करूंगा। हाँ आप बताइए, कोई एनबीएफसी लोन है कि मतलब कि लीगली तरफ से आरबीआई से रजिस्टर है कोई कि आप पर दिक्कत होगा? ठीक है ठीक है ठीक। तो चलिए इनको भी हम बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। सर हेल्प, यहाँ पर कॉल लगाया जाए इनके पास भी। तो यही हम आपसे बोलना चाहते हैं, कोई एनबीएफसी है, कोई आरबीआई से रजिस्टर है कि मतलब कि आपका सिविल स्कोर और आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपके घर पर एजेंट आ जाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं होगा भाई। आप खामा खा डरते हैं ऐसे ऐसे एप्लीकेशनों से, आपको डरना नहीं चाहिए। डरते इसीलिए, डर का फ़ायदा ये सब उठाता है और कोई बात नहीं है, डर का फ़ायदा केवल उठाता है सब एप्लीकेशन। तो इसीलिए हर एक हम वीडियो, जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो फ्रॉड एप्लीकेशन का एक बार जिक्र हम कर देते हैं, ताकि आप लोग मतलब कि जो वीडियो लोग देख रहे होंगे एनबीएफसी के रिगार्डिंग भी, तो वो भी कहीं ना कहीं फंसे होंगे, कहीं ना कहीं फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे होंगे, तो उनको भी जानकारी मिल जाए, या फंसने वाले होंगे तो उन पर भी जानकारी पहले से मतलब कि हो कि जब भी पैसा आ रहा है तो हम पैसा ना दें। तो इसलिए हर एक वीडियो में हम जिक्र कर देते हैं, कोई भी एनबीएफसी वीडियो बनाते हैं तो एनबीएफसी के ऊपर। तो इनके पास लगाए, ये कॉल नहीं उठाई भाई साहब, ब्रदर मनी व्यू के टाइप में जी मेल। अब चलिए इनके पास कॉल लगाया जाए, देखा जाए कि उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। तो कॉल लगाए हैं, देखे उठा रहे, कनेक्टिंग यहाँ पर लिख रहे हैं। कनेक्टिंग तभी लिखता है कि मतलब कि सर आपको मेल कर दिया है, आप चेक कर लो। ओके, तो कॉल रिकॉर्डिंग आप सब भेजिएगा कोई भी। सर मेरे मैंने एड्रेस चेंज कर दिया है। ओके, तो देखिए कोई भी एप्लीकेशन है, समझ गए बात, कोई भी एप्लीकेशन है, एनबीएफसी है या फ्रॉड एप्लीकेशन है, तो जब भी कॉल करता है तो उसका रिकॉर्डिंग कीजिए और हमारे जीमेल पर भेजिए या इंस्टाग्राम पर भेजिए, technicalgper@gmail.com। हाँ भाई बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ 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 बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी? अच्छा हाँ हाँ वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है वो। नहीं नहीं ये मैंने बोला उनको। अच्छा आप बोले? हाँ। अच्छा कुछ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो सब यही काम है, समझ गए बात। आज तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेगा। देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन और एनबीएफसी का दोनों को यही हाले है। अच्छा। आपका फोटो वोटो वायरल करना, आपका आधार कार्ड का मतलब कि उस पर लिख देना कि लड़की सप्लाई कर रहे हैं, आप रेपिस्ट हैं, ऐसे ही कर भेजेगा। अच्छा। तो स्टोरी लगा दीजिएगा। देखिए अभी फोन कर रहा है, अभी फोन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी उसके बाद तो सर कल नहीं आया। आप पर नहीं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर अभी फोन किया? कल किया था। अच्छा कल किया था, तो आप स्टोरी लगाए कि नहीं कल? कल लगा दीजिए। बस बस ठीक है, स्टोरी आप लगा दीजिए, काम खत्म, लोग समझ जाएंगे। ओके। हाँ और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपका सिविल स्कोर डाउन होगा और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक। चलिए भाई साहब इनको हम बता दिए। चलिए इनके पास कॉल लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि ये उठा रहे हैं, कुछ रिंगिंग जा रही है भाई साहब इनके पास। आप लोग जब भी कॉल कर रहे हैं तो शाम को कॉल कीजिए, 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, ठीक है? कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो इधर हाँ भाई साहब बोलिए। नमस्ते भाई, कैसे? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए। सब बढ़िया, सब बढ़िया, बताइए आप।
बस कुछ नहीं, अभी जुगाड़ नहीं हुआ, जुगाड़ कर रहा हूँ पैसों का, साथ ही जाना पड़ रहा है, अच्छा पैसा कैसे करके देखता हूँ मैं। वही एनबीएफसी का ना? किसी, हाँ, रिंग का। हाँ रिंग का, रिंग का। हाँ देखिए इसमें क्या है कि इसका पेमेंट नहीं कीजिएगा तो सिविल तो डाउन कर देगा, बाद में आपको दिक्कत होगा। नहीं, दिक्कत तो मेरा सिविल पहले से डाउन है सर, अच्छा ठीक है। मेरा ना देखो, 4-5 साल पहले ना मेरा हाँ ना एक्सटेंड हो गया था, मैंने ओ ना ये क्रेडिट बी से लोन ले रखा था, ठीक है। मेरा हाथ ना काटने वाला था, बस ऑपरेशन पुरेशन हो गया था मेरा हाथ का, ठीक हाँ हाँ है। तो क्रेडिट बी से ले रखा था, और दो तीन और ऐप है मुझे अभी याद नहीं है, ठीक अच्छा अच्छा सब है। एनबीएफसी है ना? ये क्रेडिट बी था ना पहले, तो हाँ हाँ तो है लोन ले रखा था, अच्छा तो अच्छा इन्होंने मुझे, मतलब मेरा हॉस्पिटल में था, मुझे पता नहीं था, लेकिन इनका मैंने पेमेंट किया ही नहीं सर, मैंने चार ओ पांच साल हो गया, 4-5 साल हो गया पेमेंट नहीं किए हुए। कॉल आता है कि हाँ नहीं चार आता पांच है साल हो अब? गया, कॉल आता है अब? नहीं अब नहीं आता, नंबर नंबर चेंज ही कर लिया सर मैंने। अच्छा एजेंट ओजेंट आया घर पर? नहीं, कोई नहीं आया था वो, उसका तो 4-5 साल हो गया था, उसका तो कोई हाँ एजेंट जो कुछ नहीं आया था, ठीक। हाँ अब रिंग का है ना, रिंग हाँ का अच्छा मैंने एड्रेस चेंज कर दिया सर, अब बस एक यही है। और ये तो मान ले एम पॉकेट है, हाँ इनका 2 हजार होता है, ये तो निकल जाता है सर, 90 दिन होता है, 60 दिन का ले लो चाहे, अपने पर डिपेंड होता है, ये तो 2-2 हजार 6 हजार तो निकल जाता सर, हाँ हाँ अगर हाँ अपने लोन रखा है 2 हजार रुपये का। हाँ 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 एम पॉकेट में मुझे सही लगा सर इसका, ठीक हाँ हाँ है। ये इसमें एक स्टूडेंट के आपने लिए काफी, ये सर, ये स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल एप्लीकेशन है। हाँ, मुझे भी लिमिट मिला हुआ उसमें 14 हजार का, मैंने वो यूज कर लिया एक बार, क्योंकि अब 3 महीने बाद में मुझे पता है कि हाँ 2-2 हजार करके पेमेंट होगा, जब साथ पे कर दो 2-2 हजार में तो सर हो जाता है, हाँ और हाँ इनका हाँ होता है 15 दिन में ही, इतना 15 दिन में ही कुछ ज्यादा लगाते हैं, ये बात है। तो अब मैंने ये तो लिया उस टाइम में 26 हजार रुपया, अब देने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हाँ इनसे एडवांस लूंगा, ठीक है, तो 7 हजार रुपये भी फिर भी कम पड़ रहा है अभी तक तो, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी से 7 हजार रुपये मांगू, ठीक है, इसका ऐप में भर के 7 का 7 उसको वापस कर दूंगा, ठीक है। तो कीजिए ऐसा ट्राई कीजिए। हाँ, एक बार 7 हजार रुपये मैं किसी से पूछ रहा हूँ एक बार, अभी मेरे मैंने अभी पेमेंट तो अभी मैंने इकट्ठी, अभी तो मेरे पेमेंट ही भी मेरे पास अभी 0 है, हाँ हाँ शेष हाँ है मैं बता हाँ रहा हूँ, मैंने हिसाब हाँ किताब लगा रखा है, 10 हजार रुपये मैं उससे एडवांस लूंगा, ठीक है, तो हाँ 5-1 से लेने हैं एडवांस लूंगा, ठीक है, अब 7-1 से एडवांस लूंगा, 22 हजार हो जाएगा, ठीक है, ये सोच रहा हूँ, अब देने पर ये डिपेंड है, देखिए भरोसा तो है बात किसी के ऐसी है लिए। ना कि लोन का चक्कर बहुत खराब होता है, समझ गए बात है। हाँ यार सर, हाँ ये यार, वो इतना ज्यादा समझ टेंशन रहा हूँ होता है सर, ना, मान लीजिए कि आप लोन लेकर बैठे हैं, आ तो डिसाइड आप कर लिए कि इनसे इतना लेंगे और आप चुकता कर देंगे टाइम पे टाइम। अब मान लीजिए बीच में कोई स्थिति खराब हो गया, जॉब चली गई, हाँ कुछ सर, भी हो ये गया, तो तो उसके आपकी बात बाद अब सही है, सोचने बैठी अब कैसे हम पैसा देंगे, उसके बाद सर तो इनके नहीं, रिंग एजेंट आते कब है घर, तो मुझे ये बताइए सर। देखिए ये सब का एजेंट आप पर डिपेंड करता है, समझ गए बात है। कितना का आप लोन लेकर रखे हैं और उससे कैसे बात कर रहे हैं, आ कौन सा लोकेशन है, कितना दूर है शहर से, और वह भी डिपेंड करता है। पास में रहेगा तो ऐसा जल्दी आ जाएगा, ये 10 दिन में आ जाता है ये, ना ना 10 दिन में नहीं आता है, 2-3 महीना बाद आता है। अच्छा 2-3 महीने बाद आता है हाँ क्या, आ मैं ये तो सबको सोच रहा था कमीशन पहले में से मिलता मैं, है, देखिए ये सबको कमीशन मिलता है, मिलता कितना है, 2%। मान लीजिए आपका 26 हजार है तो 26 हजार में से 2% इसको मिलेगा। हाँ तो समझिए 26 हजार, मान लीजिए आपसे 26 हजार हुआ और आपके एरिया में कोई और लिया होगा, आपके एरिया में कोई और लिया होगा, मान लीजिए कि 10 लोग लिए रहेंगे ना तभी आएगा, नहीं तो पेट्रोल जरा कराएगा कहीं ना कहीं वो भी पिटा जाएगा, पेट्रोल भी जलेगी। मैंने एड्रेस भी चेंज कर दिया सर अब तो, हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर और एड्रेस मान ले वो आधार कार्ड पे, उस पे तो नहीं आएगा, ना ना आधार कार्ड पे एड्रेस पे नहीं आता है। ये कंफर्म है सर। हाँ ये कंफर्म है क्योंकि हम खुद रिकवरी एजेंट से हम बात किए हैं, अच्छा वो अच्छा खुद बता रहा था, क्योंकि हमारा आधार कार्ड का एड्रेस गांव पर का है, समझ गए हमारा, लेकिन अभी हम जहाँ फिलहाल अभी रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस बता रहा था, क्योंकि हम वहीं का एड्रेस डाले थे यहीं का, तो इसीलिए यहीं के बता रहा है, तो इसी से कंफर्म हो गया कि गांव पर नहीं जाता है। मैं सर बीकानेर रहता हूँ, मैंने ना
पिन लगाया था इधर, हाँ हाँ NH11 वृंदावन लिख दिया, अच्छा पिन कोड मैंने बीकानेर का लगाया था, तो वहाँ पे सीधी ऑटोमेटिक जोधपुर ले रहा है एड्रेस में। हाँ मैंने सेव कर दिया, फिर मैंने कहा चलो जोधपुर घूमते रहेंगे साले। और क्या, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। बस कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन तो नहीं करते? नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन करता है NBFC करता है, समझ गए, NBFC हो गया या फ्रॉड एप्लीकेशन हो गया, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करता है, तो स्टोरी लगा दीजिएगा जब फोन करेगा, तो क्या दिक्कत है। हाँ स्टोरी लगा, बस काम खत्म। सर मेरा सिंपल, तो देखो सिंपल तो मेरा डोन है, ज्यादा मैं टेंशन लूंगा सर कैसे, मैं सोच रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, टेंशन भरी है, खा के बैठे रहो। अब अगर नहीं जुगाड़, अगर नहीं होगा, पहले तो मैं जुगाड़ करने ही सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, अगर जुगाड़ नहीं हुआ अब मैं अफसोस करूँ, सोचूं या ज्यादा डिप्रेशन में जाऊंगा सर, ये टेंशन। अब डिप्रेशन में जाकर अब क्या होगा, कुछ होगा, डिप्रेशन में जाइएगा तो आप ही को दिक्कत होगा, बाद में बाल झड़ेंगे, समझ रहे हैं बात है। आपका फेस खराब होगा, स्किन खराब होगा, बहुत चीज खराब होगा, हेल्थ खराब हो जाएगा। देखो डिप्रेशन में जाने के बाद आदमी के दिमाग में सो बातें आती है यार, मैं मर जाऊं, वो मर जाऊं, ऐसे ऐसी बातें। हाँ हाँ हाँ, डिप्रेशन में जाने के बाद ना आदमी चुपचाप रहता है, मुझे पता है कि ऐसी स्थिति से मैं गुजर चुका हूँ एक बार, ठीक है, तो मैं दोबारा इस स्थिति में जाना चाहता हूँ, मुझे पता है अगर जुगाड़ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कह देंगे यही नहीं यार। अब टेंशन को डिप्रेशन कहते हैं ना, उसी का ना डिप्रेशन कहते हैं। तब अब मैंने सोच रखा है अगर हो गया जुगाड़ तो ठीक है कर देंगे, अगर नहीं होगा तो हाथ खड़े हैं भाई सर, है ही नहीं, अब धीरे धीरे करके दूंगा मैं, पलंटी लगाए रखो चाहे कितनी मर्जी लगाओ, अब धीरे धीरे करके दीजिए चाहे मत दीजिए, अब क्या दीजिए, सिविल तो आपका डाउन है, तो हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पैसा नहीं दीजिए, बस मेरे घर पे ना आ जाए एजेंट, बस भाई घर पर नहीं आएगा, आप बताइए कि 5 साल में रिपेमेंट उसका नहीं कर पाए तो घर पर नहीं आया, तो ये घर पर कहाँ से आ जाएगा। ये तो बात है, वही ना, आपके बारे में पहले भी मान लीजिए कुंडली निकालेगा एक दूसरे एप्लीकेशन से तो वो जान जाएगा भाई साहब की पहले भी लेकर रखा है, अब 5 साल हो गया पैसा नहीं दिया। 500 सिबिल स्कोर है सारा, हमने हमारी खुद की गलती इसको इतना बड़ा लोन दे दिया। हाँ 500 पे इतना दे दिया, बहुत बड़ी बात है, समझ गए। और कोई आप देते नहीं सर, कोई नहीं देगा, 500 पे लोन मिलता है, आप बताइए 500 पे लोन मिलता है, 750 होगा तब मिलेगा। हाँ ऐसे, हाँ और मेरा ना, और मेरी पेमेंट हिस्ट्री पूर है, ठीक है, हाँ हाँ सारा कुछ पूर है सर मेरा, तो वही हाँ तब दे दिया, इतना कम बात है। अब मैंने उस टाइम ना बजाज फाइनेंस से भी लिया था लोन, अच्छा हाँ, तो एक मोबाइल लिया था सर मैंने किस्तों पे, तो उस टाइम मेरा फिर एक्सीडेंट हो गया भाई, ठीक है, कवरेज एजेंट घर पे आया, ठीक है, मैं कहा सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, हार्स ने देखा, आप ना ऐसा करो 2,000 रुपए करके ना आप कैश ही दे करो हर महीने, ठीक है, तो मोबाइल था तो मैंने 6 किस्तें भरी थी उसकी, रिकवरी एजेंट खुद ही कह रहा कि आप बस फ्री हो, मतलब फ्री हो गया आपका, ठीक है, तो वहीं पे भी हिस्ट्री में मैं बजाज फाइनेंस में भी वो मतलब वो मिला नहीं सक, उन्होंने प्लंटी लगा के उन्होंने 21,000-22,000 कर दिया, मैंने दिए उनको 12,000-13,000 था, ठीक है, बस वहीं पे भी मैं उस टाइम में डिफॉल्टर हो गया बजाज फाइनेंस वो उसमें भी, ठीक है। अब मैं आपको तो बजाज से अब लोन नहीं मिलेगा आपको, अभी भी मिलता ही नहीं, अब कैसे लोन नहीं मिलता, उन्होंने मुझे दे दिया लोन ना, बजाज से नहीं मिलेगा, नहीं नहीं हाँ बजाज से कैसे नहीं मिलेगा सर, कैसे लोन नहीं मिलेगा मुझे, डिफॉल्टर हूँ मैं, वही ना, सिविल का कोई टेंशन नहीं है, अगर इनको पेमेंट मैं सोच रहा हूँ यार ये फोन पे फोन करेंगे, ठीक है, मैं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दूंगा, ठीक है, और क्या, बस काम खत्म, घर पे करेंगे, मम्मी को करेंगे, मम्मी तो ऐसी दो बातें सुनाएंगी उनको। एक बार ना वो मैंने ना सर मैंने एक बार लोन लिया था, वो आता ना क्रेडिट 4X से, अच्छा ठीक है, वो वहाँ पे मैंने 2,500 का लोन लिया 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए दिया था उन्होंने, और 1,800 मेरे अकाउंट में डाला, ठीक है, मगर जब तक देर है लिमिट बढ़ाएगा शायद धीरे धीरे, तो भाई मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं हुए, ठीक है, तो बार बार मुझे कह पेमेंट कराइए, मगर सर अभी तो पेमेंट है नहीं, गाड़ी जाएगी अभी, मैं अपने आप कर दूंगा मैं, उन्होंने कहा
75 रुपए लगेंगे, 80 रुपए लगेंगे, लगाए रखो 3-4 दिन के बाद में ना। मैं कह रहा हूँ सर मैं कर दूंगा, उनका बार बार फोन आया, मैं फोन नहीं उठाया। तो सालों ने घर पे फोन कर दिया मम्मी को, ठीक है कि आपके लड़के ने 2500 का लोन ले रखा था, वो मम्मी ने दो बातें सुनाई उनको है। सॉरी सर फोन आ गया था। ठीक है चलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात है। फिर ना नहीं नहीं फिर पापा को फोन कर दिया, मेरे माले को डेड लिस्ट में फोन, पापा का नंबर सेव था, ठीक है हाँ, घर का नंबर सेव था, तो इनको फोन कर दिया, पापा ने फोन कर दिया। मम्मी कह रही है फ्रॉड, उनका फ्रॉड लिखा रहा है, टू क्लब लिखा था इनका लोन रिकवरी का, फ्रॉड में फ्रॉड होते हैं, 420 होता है, लिंक पर क्लिक हो गया, इनको समझा दिया था। फिर मैंने ना उनका पेमेंट कर दिया था सर, उन्होंने 2500 कुछ मैं 2-3 दिन में छोड़ो यार इनका कर दे पेमेंट, ऐसे दिमाग खाएंगे, बड़ा पेमेंट था नहीं, तो उस टाइम पेमेंट आते ही मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होता, पर ये 26000, ये 26000 का मान लिया अपने, मुझे बना 28800 कुछ रुपए बनता है इनका, ठीक है। तब मैं देखो कोशिश करूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हाथ खड़े हैं सर, और क्या इलाज है, कौन करे रखो, कौन पेमेंट देगा, पेमेंट तो मैं ही दूंगा, कौन कौन दे सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सोच रहा हूँ चलो इस महीने को जुगाड़ हो गया, पैसे तो खाने इनके, कम मर्जी खा लेंगे, ठीक है। और क्या, तो जब पैसों में देखो जाने वाला, पैसे अभी तो है नहीं, और मैं कहीं से मांगूंगा, एक महीने का वो जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भाई अब मेरा सिस्टम खुद का आउट है, ठीक है, 3 महीने तो मेरा खुद का सिस्टम सर आउट है अभी तो, ठीक है। चलिए ठीक है तब, तो गाइस चलिए इनका कॉल डिसकनेक्ट हो गया, बार बार उन पर कॉल आ रहा था। तो आई होप यहाँ तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखे, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बड़ा वीडियो हो गया है, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। आई होप वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट सारा कुछ कर दीजिएगा। बाकी आपके मन में डाउट होगा तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा, नीचे लिंक मिला डिस्क्रिप्शन में, टेक्निकल जी पर चैनल का नाम है, आ जाइएगा डायरेक्ट सर्च करके। तब तक ही नहीं मिलते किसी नेक्स्ट ऐसे वीडियो में, जय हिंद जय भारत।